तो देखो, हम लगातार इस बारे में जानते आ रहे हैं कि LAC को लेकर भारत और चीन में लगातार विवाद जारी है। LAC के ऊपर अभी हाल ही में हमें देखने को मिला कि बहुत ही हिंसक झड़प भारत और चीन के सैनिकों में हुई, जिसमें कि भारत के कुछ सैनिकों की जो है जान चली गई। उसी के संबंध में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा क्लेरिफिकेशन दिया गया, स्पष्टीकरण दिया गया। तो जब आप एक बार स्पष्टीकरण देते हो, दो बार देते हो, तीन बार देते हो, जब आप दो तीन बार स्पष्टीकरण देते हो ना, तो इसका मतलब है कि आप स्पष्टीकरण में कहीं खो गए, लॉस्ट इन क्लैरिफिकेशंस। तो यही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो स्पष्टीकरण भारत और चीन को लेकर दिया गया है, वह स्पष्टीकरण क्या है कि मतलब बार बार देना पड़ा है स्पष्टीकरण, तो इसलिए कहा गया है कि लॉस्ट इन क्लैरिफिकेशन, कि पहले कुछ कहा आपने, फिर जब आपसे कुछ और पूछा गया तब आपने कुछ और कहा। देखते हैं PM मोदीज़ रिमार्क्स, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो टिप्पणियां की गई हैं, जो रिमार्क लगाए गए हैं, रिमार्क्स ऑन द बॉर्डर क्लेश। क्लेश का मतलब होता है फाइट, लड़ाई, कि भाई भारत और चीन के बीच में सीमा को लेकर ये जो लड़ाई है, इस संबंध में प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो भी रिमार्क्स किए गए हैं आर सिम्टोमेटिक। तो उनके द्वारा जो रिमार्क्स किए गए हैं वे इस बात के लक्षण को दिखाते हैं, है ना, उनमें ये लक्षण नज़र आते हैं ऑफ द गवर्नमेंट्स पुअर मैसेजिंग, कि भाई सरकार ने इस सीमा विवाद को लेकर जो संदेश दिया है ना, वो संदेश बहुत ही खराब है। तो कुल मिला के इस लाइन का ये मतलब हुआ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत चीन बॉर्डर को लेकर जो विवाद है, जो लड़ाई है, उस संबंध में जो एक तरीके से टिप्पणियां उनके द्वारा जारी की गई हैं, जो रिमार्क्स उनके द्वारा लगाए गए हैं, वे लक्षण हैं। वे लक्षण दिखाते हैं, किस चीज़ के लक्षण दिखाते हैं, कि भाई सरकार के द्वारा बहुत ही गलत संदेश जो है इस संबंध में दिया गया है। आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज़ कमेंट्स टू एन ऑल पार्टी मीट ऑन फ्राइडे। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर शुक्रवार को भारत में जो है सभी पार्टियों की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है कुछ कमेंट्स किए, क्लेमिंग देयर हैड नाइदर बीन एनी इंट्रूजन। इंट्रूजन का मतलब होता है घुसपैठ बाय चाइना, नॉर वाज एनी इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, यानी कि कोई ज़बरदस्ती आपकी सीमा में घुस आता है ना, बिना अधिकार के अगर कोई आपकी सीमा में प्रवेश कर गया तो उसको बोला जाता है इंट्रूडर, और ये जो घटना होती है इसको कहा जाता है इंट्रूजन, मतलब घुसपैठ। तो शुक्रवार को जो ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई, उस ऑल पार्टी मीटिंग्स में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ कमेंट्स किए। उन कमेंट्स में उन्होंने ये कहा, क्या कहा, क्लेमिंग, ये दावा करते हुए, देयर हैड नाइदर बीन एनी इंट्रूजन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि न तो किसी तरह की घुसपैठ हुई है चाइना के द्वारा, और न ही कोई घुसपैठिया उपस्थित था, नॉर वाज एनी इंट्रूडर प्रेजेंट, कि भाई न तो कोई घुसपैठिया मौजूद था और न ही चाइना के द्वारा जो है घुसपैठ की गई। तो ये जो कमेंट्स उनके द्वारा किए गए, एक्सपेक्टेडली कॉस्ट, एक्सपेक्टेडली मतलब आशा अनुरूप, जब आपकी आशा के अनुरूप कोई काम होता है ना तो उसको कहा जाता है एक्सपेक्टेडली। तो इस प्रकार के जब कमेंट्स किए गए उनके द्वारा, तो जैसी कि आशा थी, कॉज्ड ए पॉलिटिकल स्टॉर्म। उनके इन कमेंट्स ने जो है मचा दिया, क्या, राजनीतिक तूफान मचा दिया। कॉज्ड मतलब कारण बनना, कि भाई उनके द्वारा ये जो कमेंट्स किए गए ना, इस तरह के कमेंट्स, यह राजनीतिक, एक तरीके से इन्होंने जो है ना राजनीतिक उथल पुथल मचा के रख दी, राजनीतिक तूफान मचा के रख दिया उन्होंने उनके इस तरह के कमेंट्स के द्वारा। आगे देखते हैं। नॉट ओनली वॉज द वॉयलेंस ऑन द नाइट ऑफ 15 जून, कि 15 जून को ये जो हिंसक घटना हमें देखने को मिली भारत और चीन की सीमा पर, दैट क्लेम, अब यहाँ पे क्लेम का मतलब है जिसने की ले ली 20 इंडियन सोल्जर्स की, मतलब ये जो हिंसक घटना हुई जिसने की 20 भारतीय सैनिकों की जान ले ली, ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब होता है कि किसी घटना का कोई कारण बनती है ना कोई घटना, उसको कहा जाता है ट्रिगर, कि भाई ये जो अगर घटना घटित हुई तो इसका कारण क्या था, है ना, किस कारण से जो है ट्रिगर पॉइंट क्या था। तो नॉट ओनली, तो न केवल ये हुआ बल्कि साथ ही साथ कॉमा लगा के आगे ये बात कहेगा, हाँ ये देखो यहाँ से थोड़ा सा लंबा चल रहा है ना सेंटेंस, कि न केवल ये हुआ, नॉट ओनली, साथ ही साथ ये भी घटना हमें देखने को मिली। तो नॉट ओनली वॉज द वॉयलेंस ऑन द नाइट ऑफ जून 15, कि न केवल 15 जून की रात को यह जो हिंसक कह सकते हैं हम, ये जो हिंसक घटना हमें देखने को मिली जिसने कि 20 भारतीय सैनिकों की जान ले ली, ट्रिगर्ड बाय चाइना, ये घटना न केवल, इस घटना की शुरुआत न केवल चाइना के द्वारा की गई थी, इरेक्टिंग स्ट्रक्चर्स, इरेक्ट का मतलब होता है खड़े करना, निर्मित करना स्ट्रक्चर्स, है ना, कि भाई चाइना ने क्या किया था, LAC को क्रॉस करके जो है
कुछ अपने जो है ना, कुछ आप कह सकते हो कि उसने कुछ संरचनाएं निर्मित कर ली थी, यानी कि LAC के इस क्रॉस आ गए थे वे और अपनी उन्होंने अपनी कुछ छावनियां निर्मित कर ली थी, कुछ खंदक बना ली थी उन्होंने अपनी, है ना, इरेक्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑन इंडिया साइड ऑफ द LAC इन द गलवान वैली, कि भाई गलवान घाटी में भारत का जो LOC साइड है ना, उस भारत की जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो ये भारत और चीन की जो सीमा है ना, उस बॉर्डर को कहा जाता है LAC। तो चाइना के सैनिक न केवल LAC को क्रॉस करके भारत की सीमा में पहुंच गए गलवान क्षेत्र में, जबकि उन्होंने साथ ही साथ अपनी खंदक, ये जो सैनिक होते हैं ना, सैनिक कुछ खंदक का निर्माण कर लेते हैं, खंदक का मतलब होता है एक तरीके की कुछ जमीन वमीन खोद के और अपना पड़ाव जमा लिया, अपने पैर जमा लिया, उसको कहा जाता है। तो कुल मिला के एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि न केवल 15 जून को जो है ये हिंसक वारदात हुई, जबकि साथ ही साथ चाइनीज ट्रूप स्टिल रिमेन प्रेजेंट ऑन इंडियन टेरिटरी एल्सवेयर इन लद्दाख, साथ ही साथ बट ऑल्सो, है ना, कि ये नॉट ओनली आया ना, अभी कॉमा लगा के कहना चाह रहा है कि साथ ही साथ न केवल ये घटना हुई, इसके साथ ही साथ कि चाइना के जो सैनिक दल हैं, चाइना की जो फौज है, स्टिल रिमेन, अभी भी बनी हुई है, प्रेजेंट ऑन इंडियन टेरिटरी, कि भाई भारतीय सीमा क्षेत्र जो है ना, टेरिटरी का मतलब है क्षेत्र, कि भारत की अभी भी चाइना के जो सैनिक जो हैं वे भारतीय क्षेत्र में बने हुए हैं, एल्सवेयर, एल्सवेयर मतलब कहीं और, लद्दाख में कहीं और अभी भी चीनी सैनिक बने हुए हैं। आगे देखते हैं, तो ये लद्दाख में किस जगह अभी भी जो है चीनी सैनिक बने हुए हैं, इंक्लूडिंग ऑन द नॉर्थर्न बैंक ऑफ पेंगोंग लेक, बैंक का यहाँ पे मतलब है किनारा, इंक्लूडिंग ऑन द नॉर्थर्न बैंक ऑफ पेंगोंग लेक, कि भाई ये जो पेंगोंग झील है ना, इस पेंगोंग झील के किनारे पर, उत्तरी किनारे पर अभी भी जो है चीनी सैनिक जो है बने हुए हैं, और इसके अलावा लद्दाख में अन्य स्थलों पर अभी भी जो है चाइनीज सैनिक बने हुए हैं। आफ्टर द प्रॉब्लम्स विद हिज रिमार्क्स वर हाईलाइटेड बाय द अपोजिशन, हाईलाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को रेखांकित करना, है ना, किसी चीज़ पर जोर देना, उसको कहा जाता है हाईलाइट करना। आफ्टर द प्रॉब्लम्स विद हिज रिमार्क्स, कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो रिमार्क्स किए, जो एक तरीके से उन्होंने टिप्पणियाँ जारी की, और उन टिप्पणियों के ऊपर आपत्ति जब विपक्ष के द्वारा दर्शाई गई, आफ्टर द प्रॉब्लम्स विद हिज रिमार्क्स वर हाईलाइटेड बाय द अपोजिशन, कि भाई विपक्ष के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई टिप्पणियों पर जब आपत्ति जताई गई, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस वॉज मूव्ड टू इशू ए मच नीडेड क्लैरिफिकेशन ऑन सैटरडे, तब क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है इस बात के लिए प्रेरित हुआ, मूव्ड का यहाँ पे मतलब है कि भाई प्राइम मिनिस्टर का ऊपर, कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कमेंट्स पर जब विपक्ष ने आपत्ति जताई, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो ऑफिस था वह इस बात के लिए प्रेरित हुआ कि उन्होंने जो है जारी किया, इशू किया, उन्होंने क्या जारी किया, ए मच नीडेड, ए मच नीडेड मतलब कोई ऐसी बात जिसकी की सर्वाधिक जरूरत थी, है ना, ए मच नीडेड मतलब जिसकी की सर्वाधिक जरूरत थी, क्लैरिफिकेशन ऑन सैटरडे, स्पष्टीकरण ऑन सैटरडे। तो फिर शनिवार को जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऑफिस द्वारा अंततः जो है उन्हें क्या करना पड़ा, स्पष्टीकरण देना पड़ा, और स्पष्टीकरण की सर्वाधिक जरूरत थी, स्टेटिंग, यह कहते हुए, स्टेटिंग द PM वॉज नॉट ओनली रेफरिंग टू द सिचुएशन इन द गलवान वैली, PM वॉज ओनली रेफरिंग टू द सिचुएशन इन द गलवान वैली। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा एक बयान जारी किया गया, उस बयान में ये कहा गया कि PM वॉज ओनली रेफरिंग, रेफर का मतलब होता है कि भाई किसी चीज़ का हवाला देना, है ना, किसी चीज़ के बारे में कुछ कहना, कि PM वॉज ओनली रेफरिंग टू द सिचुएशन इन द गलवान वैली, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के द्वारा ये बात कही गई कि प्राइम मिनिस्टर जो है सिर्फ गलवान वैली की स्थिति के बारे में जो है एक तरीके से बता रहे थे, एज ए कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम या फिर नतीजा, ऑफ द ब्रेवरी ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, कि भाई एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब हो गया बहादुरी ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, कि प्राइम मिनिस्टर गलवान वैली में भारतीय सैनिकों की बहादुरी के बारे में बता रहे थे। कुल मिला के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के द्वारा ऐसी बात कही गई कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना कि भाई कोई भी घुसपैठ नहीं हुई है और ना कोई चीनी सैनिक वहाँ पर है LAC के जो है इस ओर, ना तो कोई चीनी सैनिक है और ना चाइना के द्वारा घुसपैठ हुई है। तो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के द्वारा कहा गया कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उसके बाद बता रहे थे, नतीजा बता रहे थे कि भाई भारतीय सैनिकों ने बहादुरी दिखाई और इस बहादुरी के चलते जो है अब कोई भी चाइनीज सैनिक वहां पर नहीं है ना, तो इस तरह की बात जो है दोबारा से कही गई। आगे देखते हैं,
तो ध्यान रखना, इस स्पष्टीकरण में यही कहा गया कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐसी ऐसा नहीं कहा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये कहना था कि साहब अब जो है अब कोई नहीं है वहाँ पर, है ना, कि भाई भारतीय सैनिकों ने जो है बहादुरी दिखाई और भारतीय सैनिकों की बहादुरी के नतीजे के फलस्वरूप, बहादुरी भारतीय सैनिकों के द्वारा जो बहादुरी दिखाई गई उसके परिणाम स्वरूप जो है अब कोई भी इंट्रूडर जो है अब वहाँ पर जो है आप कह सकते हो कि भारत की सीमा में मौजूद नहीं है ना, ऐसा कह के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के द्वारा जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात को जो है स्पष्ट किया गया। दैट फॉल्ट, अब देखो भारतीय सैनिकों के लिए कहा जा रहा है कि भाई भारतीय जो आर्म फोर्सेस है ना, दैट फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब होता है निष्प्रभावी कर देना, है ना, नाकाम कर देना, दैट फॉल्ट तो भारतीय सैनिकों के लिए कहा जा रहा है, भारतीय फौज के लिए कहा जा रहा है। दैट फॉल्ट है चाइनीज ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है अतिक्रमण, एक तरीके से क्या है कि भाई आप जब उल्लंघन करते हो ना किसी चीज का, तो यहाँ पे चाइनीज सैनिकों के लिए कहा जा रहा है दैट फॉल्ट अ चाइनीज ट्रांसग्रेशन, कि भाई चाइनीज सैनिकों ने एक तरीके से आप सीमा का जो उल्लंघन करने का प्रयास किया उसको नाकाम कर दिया। किन्हों ने? भारतीय सैनिकों ने। और जब उन्होंने चाइनीज सैनिकों के मंसूबों को नाकाम कर दिया तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब बॉर्डर पर कोई भी चाइनीज सैनिक नहीं है, किसी भी तरह की घुसपैठ वहाँ पर नहीं है, किसी भी तरह का घुसपैठिया वहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो कमेंट्स थे ना उनको सही ठहराया गया प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के द्वारा। आगे देखते हैं, इवन इफ, भले ही द पी एम ओ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो एट्रीब्यूट का मतलब जिम्मेदार ठहराना। इवन इफ द पी एम ओ एट्रीब्यूटेड द पॉलिटिकल स्टॉर्म टू अ मिस्चीवियस इंटरप्रिटेशन। अब देखो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने क्या कहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जो है जिम्मेदार ठहराया है कि भाई ये जो राजनीतिक तूफान मचा है ना, राजनीतिक उथल पुथल हमें देखने को मिली है चाइना को लेकर, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऑफिस का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कमेंट्स का जो है गलत व्याख्या की गई। मिस्चीवियस का मतलब होता है हानिकर, इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या, कि भाई प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने ये बात कही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कमेंट्स किए उन कमेंट्स की जो है गलत व्याख्या की गई, उन कमेंट्स की जो है हानिकारक व्याख्या की गई। इट इज़ मोर देन क्लियर, तो भले ही प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के द्वारा ऐसी बात कही गई हो लेकिन इट इज़ मोर देन क्लियर दैट द पीएम डिडंट चूज हिज वर्ड्स केयरफुली, लेकिन यह कुछ ज़्यादा, यह बिल्कुल स्पष्ट है। मोर देन क्लियर का मतलब है बहुत ही बिल्कुल अच्छी तरीके से यह बात स्पष्ट है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने शब्दों को सावधानी पूर्वक नहीं चुना, जो भी कमेंट्स जो भी टिप्पणी उनके द्वारा की गई ये टिप्पणी जो है बहुत ही सोच समझ कर नहीं की गई। इनफैक्ट वास्तव में हिज रिमार्क्स, कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो रिमार्क्स किए गए जो टिप्पणियाँ उनके द्वारा की गई हैव ऑलरेडी बीन सीज्ड अपॉन, अभी जो लिखा हुआ है ना सीज्ड अपॉन, सीज्ड ऑन या फिर सीज्ड अपॉन, इसका मतलब होता है इस्तेमाल करना, इसको किसी भी चीज़ को तुरंत स्वीकार कर लेना। अब देखो क्या देखने को मिला कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बात कही ना कि भाई नहीं हमारी बॉर्डर पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है और जो है ना वहाँ पर कोई घुसपैठ या नहीं है ना कोई घुसपैठ हुई है वहाँ पे, जब उन्होंने ऐसी बात कही तो इस कमेंट्स को आधार बनाकर चाइनीज मीडिया ने क्या कहा कि देखो चाइना ने भारत के ऊपर हमला ही नहीं किया, चाइना ने कुछ किया ही नहीं। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इनफैक्ट वास्तव में हिज रिमार्क्स हैव ऑलरेडी बीन सीज्ड अपॉन बाय द चाइनीज स्टेट मीडिया, कि भाई एक तरह से आप कह सकते हो कि चाइना का एक तरीके से स्टेट मीडिया का मतलब है कि चाइना की जो ऑफिशियल मीडिया है ना, आधिकारिक मीडिया, आधिकारिक मीडिया का मतलब है कि भाई एक तो हमारी सामान्य मीडिया होती है और एक मीडिया होती है कि जो सरकार की तरफ से काम करती है, कि भाई जैसे सरकार के कोई स्टेटमेंट आते हैं तो पहले सरकारी मीडिया के द्वारा ही आते हैं ना वो। तो चाइना की मीडिया ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कमेंट्स को आधार बनाकर ये कहा कि देखो हमने तो कुछ किया ही नहीं है, एंड वर सीन एज एंडोर्सिंग, एंडोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को समर्थन करना, है ना, एंडोर्स का, एंड वर सीन एज एंडोर्सिंग बीजिंग्स क्लेम का मतलब है दावा, चाइना का दावा दैट इट्स ट्रूप्स, कि भाई चाइना के जो सैनिक है, चाइना की जो सैनिक टुकड़ी है डिडंट क्रॉस द LAC, उसने LAC को क्रॉस नहीं किया, एंड जस्टिफाई, जस्टिफाई का मतलब है उचित ठहराना किसी चीज़ को, है ना, एंड जस्टिफाइंग द पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये चाइना की सेना का नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मीज रिसेंट एक्शन, और इस तरह से चाइना की गतिविधि को जो है या फिर चाइना के सैनिकों की गतिविधि को जो है सही ठहराने का प्रयास किया। कुल मिला के हुआ क्या कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये जो स्टेटमेंट दिया ना, इस स्टेटमेंट को चाइना की मीडिया ने आधार बना लिया और कहा, है ना, सीज्ड अपॉन, सीज्ड अपॉन का मतलब है तुरंत मान लिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा जो बातें कही गई उन बातों को तुरंत चाइनीज मीडिया के द्वारा मान लिया गया और
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट को देखा गया एंड वर सीन एज एंडोर्सिंग, एंडोर्स का मतलब है समर्थन करते हुए बीजिंग्स क्लेम। भाई चाइना तो पहले से ही ये दावा कर रहा था, चाइना यह दावा पहले से ही कर रहा था कि भाई चाइनीज सैनिक जो हैं उन्होंने एलएसी को क्रॉस नहीं किया। और अब जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया कि भाई भारतीय क्षेत्र में जो है किसी भी तरह की घुसपैठ नहीं हुई है और कोई भी चाइनीज सैनिक वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इस बात को आधार बनाकर चाइना ने अपनी जो है पुष्टि करने की कोशिश की अपनी बात को। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है द MEA, यहाँ पे MEA का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कि हमारा ये जो भारत का विदेश मंत्रालय है ना उसके लिए कहा गया द MEA इशूड इट्स ओन स्टेटमेंट। तो MEA ने अपना एक अलग ही स्टेटमेंट जारी किया है ना ऑन सैटरडे शनिवार को, रीइटरेटिंग का मतलब है दोहराते हुए, रीइटरेट करने का मतलब होता है किसी बात को दोहराना, रीइटरेटिंग दैट द चाइनीज हैड क्रॉस्ड द LAC एंड इरेक्टेड स्ट्रक्चर्स अक्रॉस द लाइन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऑफिस ने जो कुछ और बात कही और यहाँ पर हमने विदेश मंत्रालय ने क्या कहा, भारत के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक स्टेटमेंट जारी किया दोहराते हुए, किस चीज़ को दोहराते हुए, किस बात को दोहराते हुए कि भाई चाइनीज हैज क्रॉस्ड, चाइनीज़ का मतलब यहाँ पे चाइनीज सैनिक, कि भाई चाइनीज सैनिकों ने जो है LAC को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस किया था एंड इरेक्टेड स्ट्रक्चर्स अक्रॉस द लाइन, और लाइन के सहारे लाइन के दूसरी ओर LAC के दूसरी ओर उन्होंने क्या किया था, कुछ स्ट्रक्चर्स है ना, कुछ ढांचे निर्मित किए थे, कुछ संरचनाएं उन्होंने निर्मित की थी। ये बात जो है भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी की गई। आगे देखते हैं, व्हाइल इट शुड बी ऑब्वियस, जबकि यह बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए दैट एनी स्पीच, कि किसी भी तरह की कोई भी स्पीच या किसी भी तरह का कोई भी भाषण दैट रिक्वायर्स नो लेस देन टू क्लेरिफिकेशंस हैज सीरियस प्रॉब्लम्स विथ इट्स मैसेजिंग। अब देखो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि कोई भी ऐसी बात जिसके लिए आपको दो बार स्पष्टीकरण देनी पड़ा है, या फिर दो से अधिक बार, कोई भी ऐसी बात जिसके लिए आपको दो या दो से अधिक बार स्पष्टीकरण देना पड़ता है, तो कुल मिला के इतना तो क्लियर है कि मामला कुछ गड़बड़ है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि वाइल इट शुड बी ऑब्वियस, कि यह बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, यह बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि एनी स्पीच दैट रिक्वायर्स, कि कोई भी स्पीच जिसे ज़रूरत होती है नो लेस देन टू क्लेरिफिकेशन, कि कम से कम जिसके लिए, जिस बात के लिए आपको दो स्पष्टीकरण देने पड़ते हैं, तो वह बात जो है, वह स्पीच जो है ना, हैज सीरियस प्रॉब्लम्स विद इट्स मैसेजिंग, तो उस बात के द्वारा जो मैसेज जाता है वह मैसेज जो है ना बहुत गलत जाता है ना, उस मैसेज के द्वारा समस्याएं खड़ी होती हैं, उस बात के द्वारा जो है मैसेज जो है सही नहीं जाता है कि आपको जो है दो तीन बार स्पष्टीकरण देने पड़ रहे हैं। द कंट्रोवर्सी हैज़ ओनली अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब होता है किसी बात को रेखांकित करना, किसी चीज़ के महत्व को दर्शाना, स्पष्ट करना किसी चीज़ को, द कंट्रोवर्सी, तो ये जो विवाद पैदा हुआ हैज़ ओनली अंडरलाइन द गवर्नमेंट्स पुअर कम्युनिकेशन ऑन द बॉर्डर इशू। तो ये जो विवाद पैदा हुआ है, इस विवाद ने इस बात को रेखांकित किया है, किस बात को रेखांकित किया है, द गवर्नमेंट्स पुअर कम्युनिकेशन ऑन द बॉर्डर इशू, कि भाई सरकार ने इस सीमा विवाद को लेकर जो भी कम्युनिकेशन किया है, जो भी बातें बताई हैं, वो बातें मतलब एक तरीके से बहुत ही पुअर रही हैं, बहुत ही कमज़ोर, मतलब सरकार ने जो एक तरीके से कह सकते हैं आप कि सरकार ने जो है मतलब मैसेज जो है ना बहुत ही गलत दिया है। ये एडिटोर कहना चाह रहा है कि द कंट्रोवर्सी, कि इस विवाद ने इस चीज़ को रेखांकित किया है, किस चीज़ को रेखांकित किया है, द गवर्नमेंट्स पुअर कम्युनिकेशन ऑन द बॉर्डर इशू, कि भाई सरकार ने इस सीमा विवाद को लेकर ठीक तरह से जो है स्पष्टीकरण नहीं दिया, सरकार ने जो है ठीक तरह से बात को संचारित नहीं किया है ना, सरकार ने बात को जो है ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया। आगे देखते हैं, द ट्रेजिक लॉस, ट्रेजिक का मतलब है दुखद, द ट्रेजिक लॉस ऑफ लाइव्स फॉलोड मोर देन 6 weeks ऑफ टेंशंस इन द गलवान वैली, कि गलवान वैली में पिछले 6 सप्ताहों से लगातार जो है तनाव की स्थिति बनी हुई थी, तो इस तनाव की स्थिति के बाद में ये जो लोगों की जानें चली गई, जो कि काफ़ी दुखद है। फॉलोड का मतलब क्या होता है, फॉलोड का मतलब होता है कोई घटना होती है ना, उसके बाद में कोई घटना घटती है, तो उसको बोलते हैं ये घटना ने इसको फॉलो किया, फॉलो का मतलब क्या होता है, अनुसरण करना, तो इस घटना के बाद में ये घटना घटी। द ट्रेजिक लॉस ऑफ लाइफ्स का मतलब है कि दुखद रूप से जो सैनिकों की जानें चली गई है ना, और ये जानें क्यों चली गई, किस घटना के फलस्वरूप चली गई, फॉलोड मोर देन 6 weeks है ना, मोर देन 6 weeks ऑफ टेंशन इन द गलवान वैली, कि गलवान वैली में 6 सप्ताहों से भी ज़्यादा सप्ताह हो गए थे, लगातार टेंशन की स्थिति बनी हुई थी, और इस टेंशन की स्थिति के बाद में हमें देखने को मिला कि बड़ा ही दुखद हुआ कि जो है भारतीय सैनिकों की जानें चली गई। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान द पब्लिक वॉज कैप्ट इन द डार्क,
भारत की जो जनता है उसे अंधेरे में रखा गया। अबाउट किस बारे में? अबाउट व्हाट वाज ट्रांसपायरिंग, ट्रांसपायर का मतलब होता है घटित होना, अलोंग द LAC, कि भाई LAC के सहारे, मतलब आप कह सकते हो कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, इसके सहारे सहारे है ना चल क्या रहा था, इस बारे में भारतीय जनता को जो है अंधेरे में रखा गया। आगे देखते हैं, मतलब भारतीय जनता को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि भाई LAC पर हो क्या रहा है। ट्रू, ये बात बिल्कुल सत्य है। शेयरिंग एवरी डिटेल इन द पब्लिक डोमेन, देखो पब्लिक डोमेन का मतलब होता है जब कोई भी बात पब्लिक डोमेन में होती है ना, इसका मतलब है किसी पब्लिक डोमेन में होना, मतलब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना। शेयरिंग एवरी डिटेल इन द पब्लिक डोमेन इज नॉट पॉसिबल, तो एडिटोरियल ये बताना चाहता है कि बिल्कुल सही बात है ये कि सारी की सारी बातों को जो है सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, ये संभव नहीं है। व्हेन इट कम्स टू नेगोशिएटिंग सेंसिटिव इश्यूज, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, नेगोशिएट करने का क्या मतलब होता है, नेगोशिएट करने का मतलब होता है सुलझाना, नेगोशिएट करने का मतलब होता है बातचीत करके किसी समस्या का हल निकालने की कोशिश करना, उसको कहा जाता है नेगोशिएट। व्हेन इट कम्स टू नेगोशिएटिंग सेंसिटिव इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी इश्यूज होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी संवेदनशील मुद्दे होते हैं जिनके बारे में नेगोशिएशन चल रहा होता है, तो वे सारी की सारी बातें पब्लिक को नहीं बताई जा सकती। इनडीड, वास्तव में द सॉल्यूशन टू द करंट क्राइसिस, क्राइसिस मतलब संकट, कि भाई जो वर्तमान संकट भारत और चीन के बीच में ये जो सीमा विवाद का संकट पैदा हुआ है, इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो समाधान है, इनडीड द सॉल्यूशन टू द करंट क्राइसिस एंड द डिसइंगेजमेंट। डिसइंगेजमेंट का क्या मतलब होता है? देखो इंगेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज में संलिप्त होना, किसी चीज में शामिल होना। यहाँ पे डिसइंगेजमेंट का पर्टिकुलर मीनिंग है कि भाई जो सेनाएं एक तरीके से लगी हुई है ना बॉर्डर पे, उनको वापस ले लेना है ना, उस इंगेजमेंट को हटा लेना कि भाई अपनी अपनी सेनाओं को वापस खींच लेना, ये है यहाँ पर डिसइंगेजमेंट का मतलब। एंड द डिसइंगेजमेंट दैट इज नीडेड, जिसकी की जरूरत है अर्जेंटली, बिल्कुल अर्जेंटली डिसइंगेजमेंट की जरूरत है, अर्जेंटली इस बात की जरूरत है कि भाई दोनों की, दोनों देशों की जो सीमाएं LAC पे लगी हुई है वह पीछे हट जाएं। एट वेरियस पॉइंट्स, एट वेरियस पॉइंट्स का मतलब है कि भाई कई पॉइंट्स पर जो है दोनों देशों की सीमाएं लगी हुई हैं वे पीछे हट जाएं। अलोंग द LAC, LAC के किनारे या LAC के सहारे जो सीमाएं लगी हुई हैं, तो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है, अब देखो ध्यान देना कि ये कॉमा से और कहाँ तक, ये कॉमा तक, ये क्या है एडिशनल जानकारी है ना, इसकी अतिरिक्त जानकारी दी गई, ये हमने पढ़ ली, अब डायरेक्ट पढ़ो। इनडीड, वास्तव में द सॉल्यूशन टू द करंट क्राइसिस, वास्तव में ये जो वर्तमान संकट पैदा हुआ है, इस संकट का सॉल्यूशन जो है वो क्या है, करंट क्राइसिस कैन मेक प्रोग्रेस, कि भाई ये जो संकट की स्थिति पैदा हुई है, इस संकट की स्थिति में जो है प्रोग्रेस हो सकती है, कब, ओनली थ्रू डिप्लोमेसी, थ्रू का मतलब है माध्यम से, ओनली थ्रू डिप्लोमेसी का मतलब है कि वर्तमान संकट की जो स्थिति है, इस संकट की स्थिति में सिर्फ कूटनीति के माध्यम से प्रोग्रेस हो सकती है। डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति, कूटनीति का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो कुशलता है ना, मतलब कुशल व्यवहार, राजनीतिक कुशल व्यवहार, उसको कहा जाता है डिप्लोमेसी है ना, उसे कहते हैं हम कूटनीति। तो एडिटोरियल कहना चाहता है भी वर्तमान संकट की जो स्थिति है, इस संकट की स्थिति में प्रोग्रेस संभव हो सकती है सिर्फ कूटनीति, कूटनीति के माध्यम से, है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। और वर्तमान स्थिति में किस बात की जरूरत है, डिसइंगेजमेंट इज नीडेड ना, डिसइंगेजमेंट दैट इज नीडेड, कि भाई इस बात की जरूरत है कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वह पीछे हट जाए ना, बिल्कुल तुरंत, एट वेरियस पॉइंट्स अलोंग द LAC, कि भाई ये जो LAC के सहारे कई पॉइंट्स पर दोनों देशों की सीमाएं, जो सेनाएं जो लगी हुई है ना, वे सेनाएं जो है पीछे हट जाए। आगे देखते हैं, एट द सेम टाइम, साथ ही साथ, ए ब्लैंकेट ऑफ साइलेंस हार्डली सर्व्स द गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट। देखो ब्लैंकेट, यहाँ पे ब्लैंकेट का मतलब है कि भाई ब्लैंकेट का मतलब है अफेक्टिंग और इन्वॉल्विंग एवरी पर्सन और थिंग इन ए सिचुएशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा व्यापक, ब्लैंकेट का मतलब आप समझो बहुत ही ज़्यादा व्यापक। ए ब्लैंकेट ऑफ साइलेंस हार्डली सर्व, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, सर्व्स द गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट, कि भाई सरकार के जो हित हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब है हित है, तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चुप्पी साध लेना, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चुप्पी साध लेना शायद ही सरकार के हित में है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई सरकार के हितों की पूर्ति शायद ही होती है इससे। सर्व द गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट का मतलब है सर्व द गवर्नमेंट इंटरेस्ट, या फिर सर्व द पर्पज का मतलब है कि शायद ही व्यापक रूप से चुप्पी साध लेना सरकार के हित में है ना, सरकार के हितों की पूर्ति करता है। आगे देखते हैं,
द एब्सेंस ऑफ टाइमली एंड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल का मतलब है विश्वसनीय सूचना, है ना, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मतलब विश्वसनीय सूचना, टाइमली मतलब बिल्कुल टाइम पे, है ना, एकदम अप्रोप्रिएट टाइम पे जो बात होती है ना उसको कहा जाता है टाइमली. द एब्सेंस ऑफ टाइमली एंड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन विल ओनली फ्यूल स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है, अटकल, अनुमान जब लगाते हो ना आप, अंदाजा जब लगाते हो आप, उसको कहा जाता है स्पेकुलेशन. ओनली फ्यूल स्पेकुलेशन एंड अलार्म, अलार्म का मतलब एक तरीके से, एक तरीके की बेचैनी, है ना. तो एडिटोरली ये कहना चाह रहा है कि द एब्सेंस ऑफ टाइमली एंड क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, कि भाई समय बिल्कुल उचित रूप पे अगर जो है आप विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं कराते हो ना, द एब्सेंस ऑफ टाइमली एंड क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, तो इसके माध्यम से जो है अटकलों को बढ़ावा मिलेगा. फ्यूल का मतलब क्या है यहाँ पे, फ्यूल स्पेकुलेशन का मतलब है कि भाई ये जो अटकलें हैं, ये जो अनुमान हैं, उन अनुमानों को ईंधन मिलेगा. यानी कि लोग जो है ना तरह तरह के अटकल लगाएंगे, लोग जो है तरह तरह की अनुमान लगाएंगे, लोगों में बेचैनी बढ़ेगी, है ना. ये एडिटोरियल जो है कहना चाह रहा है कि भाई टाइमली अगर जो है विश्वसनीय सूचनाएं नहीं दी जाती हैं तो इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से तरह तरह की अटकलें लगाई जाएंगी और इसके माध्यम से लोगों में जो है बेचैनी बढ़ेगी. आगे देखते हैं. द साइलेंस हैज़ ऑल्सो ट्रिगर्ड, इसके अलावा ये जो सरकार का साइलेंस है ये कारण बना है ना. ट्रिगर का मतलब मैंने आपको बताया था, ट्रिगर का मतलब है कि भाई कोई ऐसी बात जिसके माध्यम से अन्य बातें घटती है ना. ट्रिगर पॉइंट क्या था कि भाई ये घटना हुई तो ये घटना जो है किसके कारण हुई, है ना, उसका पॉइंट क्या था, शुरुआत कहाँ से हुई. द साइलेंस हैज ऑल्सो ट्रिगर्ड अनसीमली, अनसीमली का मतलब होता है अशोभनीय, है ना, अनुचित, नॉट सोशली सुइटेबल एंड पोलाइट, तो उसको बोला जाता है अनसीमली, भाई ये तो अशोभनीय है बात. द साइलेंस हैज ऑल्सो ट्रिगर्ड अनसीमली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड ए ब्लेम गेम. अब देखो भारत में क्या हुआ है कि भारत की जो राजनीति है ना, उस भारत की राजनीति में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने की शुरुआत हो गई है कि भाई विपक्ष जो है सरकार पर इल्ज़ाम लगा रहा है, सरकार विपक्ष पर इल्ज़ाम लगा रही है. और ये जो इल्ज़ाम लगाने की जो घटनाएं हमें देखने को मिल रही है ना, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स मतलब जो घरेलू राजनीति है, तो ये बड़ा ही अशोभनीय है. तो द साइलेंस हैज ऑल्सो ट्रिगर्ड कि भाई ये जो साइलेंस की स्थिति सरकार ने निर्मित की है ना, ये कारण बनी, किस चीज़ का कारण बनी है, कि एक अशोभनीय आप कह सकते हो कि ब्लेम गेम की शुरुआत भारतीय राजनीति में हो गई है. एट ए टाइम, और खासकर ऐसे समय पर, व्हेन इंडिया इज कन्फ्रंटिंग, जब भारत सामना कर रहा है, कन्फ्रंट का मतलब है सामना करना, पॉसिबली मतलब संभवतया, इट्स बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी, कि भारत संभवतया सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती का सामना कर रहा है ना, चैलेंज का मतलब है चुनौती, सिंस कारगिल, कि कारगिल के बाद से संभवतया ये सबसे बड़ी आप कह सकते हो कि राष्ट्रीय चुनौती हमारे देश के सामने उपस्थित हुई है. और ऐसे समय में हम क्या देख रहे हैं, ऐसे समय में हम देख रहे हैं कि भारतीय राजनीति में जो है एक तरीके से ब्लेम गेम खेला जा रहा है, एक दूसरे पर जो है इल्ज़ाम लगाया जा रहा है. आगे देखते हैं. फ्राइडेज ऑल पार्टी मीट, कि भाई शुक्रवार को ऑल पार्टी मीट जो हमें देखने को मिली, ऑल पार्टी मीट का मतलब है कि भाई सारी की सारी जो भी भारतीय राजनीतिक पार्टियाँ हैं, ये जो एक तरीके से इकट्ठी हुई हैं, उन्होंने मीटिंग की, वाज सर्टेनली ए स्टेप, यह निश्चित रूप से एक कदम था, इन द राइट डायरेक्शन, बिल्कुल सही दिशा में उठाया गया एक कदम था कि भाई सभी पार्टी ने मिलकर जो है मीटिंग की. इवन इफ, भले ही, इट परहैप्स केम अ फ्यू वीक्स टू लेट, टू लेट का मतलब है बहुत ज़्यादा लेट, कि ये मीटिंग तो, ये जो मीटिंग हुई ना सभी पार्टीज की, ये मीटिंग कुछ ज़्यादा ही लेट हुई, बहुत लेट हुई ये मीटिंग, है ना, कई सप्ताह लग गए इस मीटिंग को लेट होने में. इवन इट परहैप्स, शायद, केम, ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग आई, ये मीटिंग हुई ए फ्यू वीक्स टू लेट, है ना, कुछ सप्ताह लेट हुई ये मीटिंग, लेकिन फिर भी ये जो मीटिंग हुई ये बहुत ही अच्छा कदम था. इंडियाज चाइना पॉलिसी, भारत की जो चाइना को लेकर जो पॉलिसी है, मे बी अप्रोचिंग एज सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, एज इन्फ्लेक्शन पॉइंट एज 1988. इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब होता है मोड़, इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है मोड़, कि मतलब आप कह सकते हो कि भारत की चाइना को लेकर जो नीति है वह पहुंच रही है. अप्रोच का मतलब है किसी पॉइंट के निकट आना. एज सिग्निफिकेंट, उतनी महत्वपूर्ण हो गई है भारत की चाइना के प्रति नीति, है ना, जैसा कि मोड़ हमें 1988 में देखने को मिला था ना, भारत की नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ हमें देखने को मिला था. भारत की जो चाइना के प्रति नीति है ना, उस नीति में एक ज़बरदस्त मोड़ हमें देखने को मिला था 1988 में. तो वर्तमान में भी हालात कुछ वैसे ही पहुँच गए थे. क्या हुआ था 1988 में, विच मार्क्ड, मार्क का मतलब है चिन्हित करना, विच मार्क द नॉर्मलाइजेशन, है ना, नॉर्मलाइजेशन का मतलब है स्थिति का सामान्य हो जाना, ऑफ टाइस का मतलब है संबंध, आफ्टर 1962. 1962 का ये जो भारत चीन का युद्ध हुआ था, उसके बाद में 1988 में हमें क्या देखने को मिला था, कि भाई भारत और चीन के संबंध जो है
काफ़ी हद तक जो है सामान्य हुए थे, है ना। ये मोड़ आया था 1988 में। क्राफ्टिंग द वे, क्राफ्ट का मतलब है निर्मित करना। क्राफ्टिंग द वे अहेड, अहेड का मतलब है वे का मतलब है रास्ता, अहेड अहेड का मतलब है आगे, कि भाई अब आगे क्या किया जाना है ना, आगे क्या क्या करना है। क्राफ्टिंग द वे अहेड फॉर द रिलेशनशिप आफ्टर द वर्स्ट, वर्स्ट का मतलब है बिल्कुल बदतर स्थिति जो होती है ना, बुरे से भी जो बुरी स्थिति होती है उसको कहा जाता है वर्स्ट। वॉयलेंस सिंस 1967, क्राफ्टिंग द वे अहेड फॉर द रिलेशनशिप आफ्टर द वर्स्ट वॉयलेंस सिंस 1967 विल रिक्वायर अ मेजर्ड अप्राइजल। अप्राइजल का मतलब होता है मूल्यांकन। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भाई 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, इसके बाद में एक और बहुत ही हिंसक घटना भारत और चीन के बीच में हमें देखने को मिली थी, वो हुई थी 1967 में। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि 1967 की जो हिंसक घटना भारत और चाइना के बीच में हमें देखने को मिली थी, उसके बाद में ये जो वर्तमान में घटना हुई है, ये जो है बड़ी हिंसक घटना है। अब इस घटना के बाद में अगर हम आगे कुछ करना चाहते हैं, आगे कुछ रास्ता हम अगर निर्मित करना चाहते हैं ना, वे अहेड का मतलब है आगे, अगर हम कुछ रास्ता निर्मित करना चाहते हैं, क्राफ्ट का मतलब है अगर हम निर्मित करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को अगर हम सुधारना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए इस बात की ज़रूरत होगी ए मेजर्ड अप्राइजल, है ना, इस बात का हमें मूल्यांकन करना होगा। मेजर्ड का मतलब होता है सोचा समझा, है ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से सोच विचार के हमें इस बात का मूल्यांकन करना होगा। ऑफ हाउ टू पर्पजिवली, पर्पजिवली का मतलब है उद्देश्यपूर्ण तरीके से, कि भाई कैसे उद्देश्यपूर्ण तरीके से इंगेज हुआ जाए, कैसे कैसे उद्देश्यपूर्ण तरीके से भागीदार हुआ जाए चाइना के साथ, और इंडियाज़ बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल नेबर, कि भाई भारत का जो सबसे बड़ा और बहुत ही ताकतवर जो पड़ोसी है चीन के लिए कहा जा रहा है, उसके साथ कैसे जो है शामिल हुआ जाए, है ना, इस बात के लिए जो है हमें बहुत ही सोच समझकर इस परिस्थिति का मूल्यांकन करना होगा। आगे देखते हैं। दिस कैन नॉट हैपन बाय बीइंग इन डिनाइल। डिनाइल का मतलब क्या होता है, डिनाइल का मतलब होता है इनकार करना, है ना, अस्वीकार करना किसी चीज़ को, और बाय अटेम्प्टिंग टू ऑब्स्क्योर फैक्ट। ऑब्स्क्योर का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट करना, है ना, छिपाने की कोशिश करना, ढांकने की कोशिश करना। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई यह नहीं हो सकता, कि एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि 1967 के बाद में ये जो घटना हुई है वर्तमान अभी हाल ही में, ये बहुत ही बड़ी हिंसक घटना है। अब अगर हम चाहते हैं कि इस घटना के बाद में अगर हम चाहते हैं भारत और चाइना के बीच में स्थिति जो है, संबंध जो है सुधरें, तो इसके लिए ज़रूरी है हमें बहुत ही सोच समझ के जो है परिस्थिति का मूल्यांकन करना होगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम जो है अगर हम बीइंग इन डिनाइल और बाय अटेम्प्टिंग टू ऑब्स्क्योर फैक्ट, यदि भारत सरकार जो है तथ्यों को छिपाने का प्रयास करती है या फिर इनकार करने की कोशिश करती है, कि जो वास्तविक हालात हैं उन हालातों को इनकार करने की कोशिश करती है, तथ्यों को छिपाने की कोशिश करती है, तो फिर बहुत मुश्किल है कि चाइना के साथ जो है संबंध सामान्य हो सके। द फर्स्ट स्टेप टू अ सॉल्यूशन, कि पहला कदम जो कि समाधान के रूप में हो सकता है वो ये इज ए रियलाइजेशन, कि हम इस बात को रियलाइज करें, इस बात को महसूस करें, किस चीज़ को, ऑफ द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। मैग्नीट्यूड का मतलब है यहाँ पे कि महत्व, है ना, एक तरीके से अहमियत, कि यह जो समस्या है ना, इस समस्या के परिमाण को, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक तरीके की तीव्रता, एक तरीके का परिमाण, एक तरीके की अहमियत, है ना। जैसे भूकंप आता है ना, तो भूकंप के लिए कहा जाता है कि भाई भूकंप का कितना मैग्नीट्यूड था, यानी कि कितने व्यापक क्षेत्र को इस भूकंप ने प्रभावित किया, है ना, उसकी तीव्रता कितनी थी। तो इसी तरह से एडिटोरियल अपनी अंतिम पंक्ति में कहना चाहता है कि पहला कदम जो समाधान के रूप में हो सकता है वो ये कि हम इस समस्या की गहराई को समझें, इस समस्या की अहमियत को समझें, इस समस्या की प्रकृति को समझें। ये बात जो है सबसे अहम है अगर हम चाहते हैं कि आगे कुछ जो है हम इंगेज करें या डिसइंगेजमेंट करें चाइना के साथ, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम समस्या की प्रकृति को बहुत अच्छी तरीके से समझें, इसके महत्व को जो है, समस्या के अहमियत को जो है बहुत अच्छी तरीके से समझें। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, है ना, इसमें हमने बात की भारत और चाइना के बीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया ना, उस स्टेटमेंट को लेकर जो कंट्रोवर्सीज पैदा हो गई, है ना भाई। उन्होंने तो स्टेटमेंट, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दे दिया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, बॉर्डर पर जो है कुछ नहीं हुआ है, घुसपैठ नहीं हुई है और वहाँ पर जो है कोई भी घुसपैठिया जो है मौजूद नहीं है। फिर जब विपक्ष ने जब आपत्ति दर्शाई ना, तो आपत्ति दर्शाने के बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऑफिस की तरफ से कहा गया कि भाई प्राइम मिनिस्टर ये कहना चाह रहे थे कि भारतीय सैनिकों ने जो बहादुरी दिखाई, बहादुरी सैनिकों ने जो बहादुरी दिखाई, उस बहादुरी दिखाने के फलस्वरूप जो है वहाँ पर कोई सैनिक मौजूद नहीं था, है ना भाई। उन्होंने, भारतीय सैनिकों ने बहादुरी दिखाते हुए क्या कर दिया, नाकाम कर दिया
चाइना को के अतिक्रमण को जो है, चाइना जो के सैनिक जो आ गए थे ना, उन सैनिकों के मंसूबों को नाकाम कर दिया, और अब वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है ना, तो इस तरह की बात जो है की गई। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, इसे जो है बहुत अच्छी तरीके से देख लें आप एक बार अपने से, है ना, कुछ शब्द हैं इनको देख लें आप। मिस्चीवियस, वैसे मिस्चीवियस का सामान्य अर्थ होता है शरारती, है ना, उसको कहा जाता है शरारती, है ना, लेकिन यहाँ पे मिस्चीवियस का मतलब है हानिकर, है ना, हानिप्रद। यूज्ड टू डिस्क्राइब बिहेवियर और वर्ड्स दैट आर इंटेंडेड, इंटेंड का मतलब क्या होता है, इरादा, टू कॉज हार्म्स, कि मतलब कुछ ऐसे शब्द या ऐसा व्यवहार जो कि हानि करने के उद्देश्य से किया जाता है, उसको कहा जाता है मिस्चीवियस। सीज ऑन या सीज अपॉन समथिंग का मतलब होता है इस्तेमाल करना, तुरंत स्वीकार करना। भाई चाइना ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो स्टेटमेंट दिया ना, उस स्टेटमेंट को तुरंत स्वीकार कर लिया, है ना, उस मीडिया को, उस स्टेटमेंट को तुरंत आधार बना लिया अपना, कि देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं और हम तो पहले ही कह रहे थे कि भाई चाइनीज सैनिक जो हैं उन्होंने LAC को क्रॉस नहीं किया है ना। टू यूज़ असेप्ट और टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग क्विकली और इंथ्यूजियास्टिकली, कि भाई किसी भी चीज़ को जो है अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, उसको कहा जाता है सीज ऑन या अपॉन समथिंग। ट्रांसपायर, ट्रांसपायर का मतलब होता है टू हैपन, किसी चीज़ का घटित होना। आगे देखते हैं ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का मतलब होता है व्यापक। अफेक्टिंग और इन्वॉल्विंग एवरी पर्सन और थिंग इन ए सिचुएशन, कि कोई भी परिस्थिति जो है उस परिस्थिति को पूरी तरीके से जब प्रभावित किया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं ब्लैंकेट, है ना, कि भाई कोई भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में जो भी व्यक्ति हैं या जो भी बातें हैं वे पूरी तरीके से प्रभावित हो रही हैं ना, बहुत ही व्यापक रूप से, तब हम बोलेंगे ब्लैंकेट। अनसीमली का मतलब होता है अशोभनीय, अनुचित, नॉट सोशली सुटेबल एंड पोलाइट। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि भाई किस परिमाण में, है ना, किस मात्रा में घटना हुई है ना, उसकी तीव्रता क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसका महत्व क्या है, द लार्ज साइज और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। और अंत में एडिटोरियल देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।